आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से नेट बैंकिंग से किसी को भी पैसे सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं। नेट बैंकिंग का मतलब होता है कि आप अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं और नेट बैंकिंग पे दिए गए जितने भी सर्विसेज है उसको आप कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगा किस तरीके से आप नेट बैंकिंग का यूज करेंगे, उससे पैसे कैसे भेजेंगे और उसमें जो स्टेटमेंट है उसको आप कहीं भी एड्रेस प्रूफ के तौर पर लगा सकते हैं। सुगाज मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोज पाइए आप रोजाना। तो नेट बैंकिंग से कैसे पैसा भेजा जाता है ये देखने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तभी आप समझेंगे कि किस तरीके से नेट बैंकिंग से किसी को भी पैसे भेजा जाता है। तो इस वीडियो को आप कंप्लीटली जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नेट बैंकिंग से आप किसी को पैसे कैसे सेंड कर सकते हैं। तो इसके लिए आप कोई ब्राउज़र को ओपन करेंगे और यहाँ पे डाल देना है नेट बैंकिंग। तो आपका नेट बैंकिंग जो भी बैंक में है उस बैंक का नाम डालेंगे और साथ में डालेंगे नेट बैंकिंग। जैसे मेरा है SBI में तो मैं डालूँगा SBI और साथ में नेट बैंकिंग। तो यहाँ पे मेरे सामने कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है। अब यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपके सामने में कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाता है, पर्सनल बैंकिंग और यहाँ पे कॉर्पोरेट बैंकिंग। पर्सनल बैंकिंग का मतलब ये है कि आप इसमें सैलरी अकाउंट और सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट बैंकिंग, तो यहाँ पे आप जो है कंपनी का अकाउंट और फॉर्म अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। जैसे मेरे पास सेविंग अकाउंट है तो मैं यहाँ पे इस पर लॉगिन करूँगा और यहाँ से मैं देख रहे हैं कंटिन्यू टू लॉगिन है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब आपका जो है यूजर नेम और वो पासवर्ड डालेंगे, ये बैंक के तरफ से दिया जाता है। तो यहाँ पे अपना यूजर नेम डालेंगे, ये पासवर्ड डालेंगे, ये कैप्चा है, कैप्चा आपको इसमें डाल देना है। कैप्चा समझ में नहीं आता है, इस तरीके से रिफ्रेश करेंगे, कैप्चा इसमें डालेंगे, स्मॉल में तो स्मॉल में, कैपिटल में है तो कैपिटल में। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ से लॉगिन कर देना है। लॉगिन करते ही यहाँ पर देखिए कि वन टाइम पासवर्ड आपके बैंक अकाउंट में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर गया होगा तो आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे चलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। OTP डालने के बाद यहाँ सबमिट वाले पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से ये आपके सामने ये मेनू ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आप बैलेंस चेक कर सकते हैं कितना है, तो इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते यहाँ पे देखिए आपका बैलेंस आ जाता है। यहाँ पे पिछले लास्ट 10 ट्रांजेक्शन तक आप यहाँ पे स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, तो इस पर क्लिक करके इसको निकाल सकते हैं। चलिए इसको मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए पिछले 10 ट्रांजेक्शन यहाँ से निकाल सकते हैं, कहाँ से पैसे आए हैं और कहाँ पे पैसे गए हैं। तो यहाँ से आप लास्ट 10 ट्रांजेक्शन तक का आप इसका स्टेटमेंट निकाल के देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देख रहे हैं कि अकाउंट स्टेटमेंट है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन होकर आ जाता है। अब यहाँ पे अपने अकाउंट का स्टेटमेंट यहाँ से निकाल सकते हैं। स्टेटमेंट जो है कभी कभी जो होता है हमारे एड्रेस प्रूफ के तौर पे भी मांग दिया जाता है, तो आप यहाँ से स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। जैसे आपको निकालना है डेट वाइज तो यहाँ पे इसको चूज करेंगे, यहाँ पे कब से कब तक निकालना है तो यहाँ पे स्टार्टिंग डेट डालेंगे, यहाँ पे एंडिंग डेट डालेंगे, ठीक है। अगर आपको मंथ का निकालना है तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ईयर चूज कर लेंगे, यहाँ पे मंथ चूज कर लेंगे, कौन सा मंथ का कौन सा ईयर का निकालना है। इसके बाद यहाँ लास्ट 6 मंथ का निकाल सकते हैं, यहाँ पे फाइनेंशियली ईयर का निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए 18 से 19, 19 से 20 और 20 से 21 तक का आप निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आप इसमें से कोई भी मंथ का, डेट का और ईयर का निकाल सकते हैं। जैसे हमको पिछले 6 महीने का निकालना है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। अब आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, आप देखना चाहते हैं या आप निकालना चाहते हैं। तो निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, एक्सेल और PDF। जैसे हमको PDF में निकालना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे आपको गो वाले पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए आपको डाउनलोड होकर आ चुका है, चलिए मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कि ये स्टेटमेंट पिछले 6 महीने का आ चुका है। सो इस तरीके से अपना स्टेटमेंट निकाल सकते हैं और आप इस स्टेटमेंट को आप एड्रेस प्रूफ के तौर पे भी लगा सकते हैं। कहीं कहीं होता है कि हमें जो है बैंक का स्टेटमेंट जो है एड्रेस प्रूफ के तौर पे भी मांग दिया जाता है, तो इस तरीके से आप जो है एड्रेस प्रूफ के तौर पे भी ये स्टेटमेंट लगा सकते हैं। पैसे भेजने के लिए यहाँ पर देख रहे हैं पेमेंट्स एंड ट्रांसफर है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए कि ये ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर देखिए क्विक ट्रांसफर, तो आप जो है 10,000 रुपये तक आप यहाँ से क्विक ट्रांसफर पर क्लिक करके आप किसी भी पर्सन को भेज सकते हैं, ठीक है। अगर 10,000 से ज़्यादा भेजना है
पैसे आप किसी भी पर्सन को, तो पहले आपको बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ेगा। इस पे मैं पहले एक वीडियो बना रखा हूँ कि बेनिफिशियरी को कैसे ऐड करेंगे। बेनिफिशियरी को ऐड करने के बाद आप जो है कैसे पैसे भेजेंगे। अगर स्टेट बैंक के हैं तब तो आप यहाँ से उसको पैसे भेज सकते हैं, अकाउंट्स ऑफ अदर्स पे क्लिक करके आप जो है भेज सकते हैं, अगर उसका अकाउंट SBI में है। अगर उसका अकाउंट SBI में नहीं है तब तो आप यहाँ पे अदर बैंक ट्रांसफ़र है इस पे क्लिक करके आप पैसे भेज सकते हैं 10,000 से ज़्यादा। अगर आपको 10,000 रुपये भेजने हैं, 10,000 रुपये से कम तक ही आपको यहाँ क्विक ट्रांसफ़र से भेजे जा सकते हैं। तो किसी को भी भेजना है आपको 10,000 रुपये तक, तो आपको यहाँ पे क्विक ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से जिसको भी पैसा भेजना चाहते हैं उस बेनिफिशियरी का पूरा नाम डालेंगे, जो अकाउंट में है वही नाम यहाँ पे आपको डालना है। इसके बाद बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर डालेंगे, अकाउंट नंबर को दोबारा से कन्फर्म करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको चूज़ कर लेना है कि बेनिफिशियरी का अकाउंट कौन सा बैंक में है। SBI में है तब तो आप यहाँ पे जो है SBI चूज़ करेंगे। अगर बेनिफिशियरी का अकाउंट दूसरा बैंक में है तब तो आपको यहाँ पर ये वाला ऑप्शन चूज कर लेना है, अदर बैंक ट्रांसफ़र। अगर बेनिफिशियरी का अकाउंट इसी में है तब तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे अमाउंट डालेंगे, कितना पैसा भेजना चाहते हैं। यहाँ पे आपको पर्पस चूज़ कर लेना है कि आप कौन सा पर्पस से पैसा भेज रहे हैं। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ गिफ्ट, तो इस तरीके से डाल देना है। इसके बाद टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ से आपको सबमिट कर देना है। तो यहाँ पे आपका पूरा डिटेल आ जाता है। यहाँ देख रहे हैं जिसको भेजना चाहते हैं उसका यहाँ पे अकाउंट नंबर आ गया, उसका नाम आ गया, कन्फर्म वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो आपके अकाउंट में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पे OTP आया होगा, वो OTP यहाँ पे डाल के यहाँ पे आपको कन्फर्म वाले पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हाई सिक्योरिटी पासवर्ड डालने के बाद यहाँ कन्फर्म वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए कि आपके अकाउंट से इसको जो भेजे हैं उसके अकाउंट में 2,000 रुपये ट्रांसफ़र हो गया है, उसके अकाउंट में आपके अकाउंट से कट के उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो गया, उसके अकाउंट में पैसे चला गया है। सो यहाँ पे उसका पूरा डिटेल देख सकते हैं। और जो पर्सन को भेजे हैं उसका यहाँ पे जो है अकाउंट नंबर आ जाता है, उस पर्सन का यहाँ पे अकाउंट नंबर है और आपका अकाउंट नंबर यहाँ आ जाता है। आप इसको प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए अपने रिकॉर्ड के लिए। तो यहाँ प्रिंट वाले पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ प्रिंट वाले पे क्लिक करके आपको, अगर आपके कंप्यूटर में प्रिंटर अटैच है तो आप प्रिंट निकाल लीजिए, नहीं तो इसको सेव करके रख लीजिए। चलिए मैं यहाँ पे प्रिंट वाले पे क्लिक करूँगा और मैं इसको अपने रिकॉर्ड के लिए मैं आपको इसको सेव करके रख लेता हूँ। तो मैं कुछ नाम डाल देता हूँ और मैं यहाँ पे सेव कर लूँगा, ये मेरे रिकॉर्ड के लिए सेव हो चुका है। सो गाइस, देखा कितना आसान है, आप किसी भी पर्सन को बहुत ही ईजी तरीके से आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कोई भी बैंक में आप बहुत ही इजी तरीके से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।